हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या नरेशन की सीरीज का अगला पार्ट, जहां पर हमें ये समझना होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आ जाएं तो इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना होगा। बट फ्रेंड्स, पहले आपको ये समझना होगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब होते हैं क्या विस्मयादिबोधक वाक्य, ये इसकी हिंदी होगी। और इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ना, इनकी शुरुआत कुछ इंटरजेक्शंस जैसे आ, ओ, अल्लास, ब्रावो और हुर्रा या फिर वेल डन जैसे शब्दों से होती है। कई बार ऐसा होगा कि इनके अलावा भी और शब्द आएंगे, बट आपको माइंड ये करना है कि इसमें ये जो साइन लिखा हुआ है, ये साइन जरूर लग के आएगा। और जब भी ऐसा साइन आपको लिख के आ जाए तो आपको समझना है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। अब अगर बात डायरेक्ट स्पीच की है कि डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ चुके हैं तो इसे हमें इनडायरेक्ट कैसे करना होगा, यही सारी बातें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएं। अब फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं, और आप ध्यान से देखिए तो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दिखा आपको, अलास, ब्रावो, ही। इसी तरीके से और भी शब्द होंगे, ओह, आ, वेल डन। आपको माइंड ये करना है कि जैसे इस तरीके के शब्द यूज़ किए जाएंगे और ऐसा साइन आपको लिख के आएगा तो वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएगा। और ऐसी कंडीशन में इसे हमें इनडायरेक्ट कैसे करना होगा, इन सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो पहला काम हमें करना होगा क्या कि हम सबसे पहले यहाँ पर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करें। इस सेट की जगह हमें लिखना होगा क्या, एक्सक्लेम्ड विथ, ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या जोड़ देना है, विथ। यानी हर बार आपको सेट को हटाकर क्या लिखना होगा, एक्सक्लेम्ड विथ लिखना होगा। और इस विथ के बाद आपको थोड़ा सा रुकना होगा, समझना होगा कि आखिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आया हुआ है उसका सेंस क्या है। यानी हमें यह समझना होगा कि आखिर यहाँ पर इस व्यक्ति को दुख हो रहा है, इसको खुशी हो रही है, ये बात ये क्रोध में कह रही है, या फिर ये कोई बात जो कर रही है वो पछतावे में कर रही है, या फिर इसे किसी चीज़ का क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। तो बात को समझिएगा, सी सैड अलास आई एम रुइन, यानी ये लड़की है और क्या कहती है कि मैं बर्बाद हो गई। रुइन का मतलब होता है क्या, बर्बाद हो जाना। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई बर्बाद हो जाएगा तो उसे खुशी तो नहीं होगी, उसे क्या होगा, दुख होगा। तो आप बात को समझते जाइएगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात कही गई हो अगर उससे दुख का सेंस आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमें विथ के बाद क्या लिखना होगा, शरो। खुशी का सेंस आएगा तो हमें विथ के बाद क्या लिखना होगा, जॉय। अगर क्रोध की बात आएगी तो हमें क्या लिखना होगा, एंगर। अगर सरप्राइज यानी आश्चर्य की बात होगी तो आपको सरप्राइज लिखना है, और अगर बात पछतावे की होगी तो आपको रिग्रेट का यूज करना होगा। यानी कहने का मतलब, एक्सक्लेम्ड के बाद विथ तो लिखना ही है, विथ के बाद जॉय, सारो, एंगर, सरप्राइज या फिर रिग्रेट जैसे शब्दों का यूज आपको करना होगा। अब इन शब्दों का यूज करने के पहले आपको इस सेंटेंस के सेंस को समझना होगा। फिलहाल अभी की बात करें तो सी सैड अलास आई एम रुइन, यानी ये लड़की कहती है कि मैं बर्बाद हो गई, यानी इसको यहाँ पर दुख हो रहा है। तो इस विथ के बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, शारो, एस ओ डबल आर ओ डब्लू, जहाँ पर शारो का मतलब किससे होता है, दुख से होता है। अब आगे देखिएगा, इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, दैट का यूज करना होगा। अब इस डैट के बाद देखिए, इस तरीके के जो भी शब्द होंगे उन सबको हमें क्या करना होगा, हटा देना होगा, और इसके बाद सारे पुराने रूल्स को फॉलो करके आपको आगे का सेंटेंस बनाना है। तो इस आई का मतलब किससे था, सी से, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा। अब देखिएगा, इजमार आया हुआ हो तो इजमार को हमें वाजवर में बदल देना है अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो। तो यहाँ पर हमें सी के बाद क्या लिखना होगा, वॉज लिखना होगा, और इस रुइंड को हमें यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो हमारा जो सेंटेंस है ना वो क्या बना कि सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट सी वॉज रुइंड। तो फ्रेंड्स, ये होगी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और आपके सामने लिखा हुआ है क्या, दे सैड ब्रावो वी हैव वॉन द मैच।
क्या बोला जा रहा है कि हम मैच जीत चुके हैं। अब सीधी सी बात है, अगर हम मैच को जीत गए हैं तो हमें खुशी होगी, दुख नहीं होगा, क्रोध नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा इसको मैं इनडायरेक्ट कैसे करूँगा। सबसे पहला काम होगा कि हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी कर लें, यानी मैंने देखो यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब इस सेट को हमें एक्सक्लेम्ड विथ में बदल देना है, तो बदल दीजिए EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विथ। इसके विथ के बाद हमें क्या करना होगा, जॉय लिखना होगा। क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है, खुशी की हो रही है। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या लगाना होगा, दैट, और इस वी का रिलेशन किससे बनेगा, दे से, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, दे। अब माइंड कीजिए कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना होता था। तो दे के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, हैड। बाकी सारी चीज़ें आपको कॉपी ही करनी है और कुछ नहीं करना है। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, देखिएगा ध्यान से, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच। तो ये थी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, और ये होगी हमारी क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल और आपके सामने लिखा है क्या, सी सैड हे यू आई विल किल यू, यानी ये लड़की है ये गुस्से में आकर कह रही है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो इसको भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर सी लिखा, और उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, एक्सक्लेम्ड विथ EXCLAIMED, फिर यहाँ पर क्या लिखना होगा मुझे, विथ। अब ये बात क्या कर रही है, गुस्से में कर रही है, क्योंकि अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है तो 100% वो गुस्से में होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, एंगर। विथ के बाद मैंने एंगर यूज़ कर लिया। इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, दैट। अब इस आई का मतलब किससे था, इस सी से था, क्योंकि जान से कौन मारेगी, ये लड़की। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, शी लिखना होगा। और विल को मुझे किस में बदल देना होगा, वुड में, किल मी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पर मी क्यों लिखा, क्योंकि वो लड़की मुझसे ही तो कह रही है ना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये बात वो गुस्से में कर रही है। तो ये थी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, और ये बन गई हमारी क्या, इनडायरेक्ट स्पीच, जहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सी एक्सक्लेम विथ एंगर दैट शी वुड किल मी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।